I wanna ruin our friendship. We should be haters instead. We should be haters physics. Hello. तो मुझे याद क्यों नहीं होती हो यार, थोड़ा तो जो प्लीज देर करता मैं आग लगा दूँ अपने आप को। किताबों की इज्जत करनी चाहिए यार, मैं किताबों को नहीं आग लगा सकती। सही है, मेरी माँ जी मेरे पास आके बैठी है और मुझसे बातें कर रही है। अब मामा से एक कड़वा सवाल पूछते हैं। माँ जी आज आपने क्या बनाना है? आज इंशाल्लाह आलू गोभी। माँ दो आलू गोभी नहीं, स्पेगेटीज बना लूँ तुम्हारे के लिए। मामा स्पेगेटीज बनाएंगी मेरे लिए। ये मामा, मामा ये देखें कितना गंदा टेबल है। नहीं गंदा तो नहीं बेटा, अभी तो काम वालियाँ भी नहीं आई हैं सफाई करने के लिए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मिट्टी उड़ती ही रहती है कभी यहाँ कभी वहाँ। या वो शिफ्टिंग करती रहती है अपनी इधर से उधर, तो इसलिए परेशान नहीं होते। इंसान भी तो मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही चले जाना है उसने। बड़ी बात कर दिया माम, बड़ी बात कर दिया। चार दिन की जिंदगी है, तीसरा दिन। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह सेहत होता दूसरी दे बेटा आप लोग। आमीन आमीन। माँ जी आपको भी। माँ जी, मामा जी मैंने आपको इतने दिनों का कहा मुझे सैंडविच बना के दे दें, आप मुझे सैंडविच नहीं बना के दे। मैं आज कोशिश कर रही थी कि सैंडविच बना दूँ, हिम्मत नहीं पड़ी। गर्मी बड़ी है यार, क्या हिम्मत करे इंसान बैठ के। नहीं नहीं मैं अपने बच्चों के लिए हर हिम्मत कर सकती हूँ, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बनाऊंगी। जैसे ही मैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि मैं आपको सैंडविच बना के दूँ। मैं भी आपके पास कि आपकी स्टडी कैसी जा रही है, कैसी पढ़ रही हो, कैसा सारा कुछ हिसाब किताब है, आप बताओ। मामा मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, ये देखें मेरे मेरा हेटर मेरे सामने बैठा है। फिजिक्स और मेरी नहीं बनती, लेकिन हमें बनानी पड़ती है। पता है मंजिल उनकी जो थकते नहीं, हेटर्स के सामने ताकि एडजस्टमेंट हो और मंजिलें जो हैं वो आसान हो। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए, माई मॉम इज़ हियर, आप लोग को एडवाइस देंगी, है ना माँ जी? फाइनली मामा मेड दिस स्पेगेटी। थैंक यू मामा। थैंक्स। क्या डाला है इसमें? मैंने स्पेगेटीज डाली है, फिर इसमें मैंने कैप्सिकम और कैरेट डाली है, और फिर इसमें ऑनियन डाला है, टमाटोज डाले हैं, और इसमें सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस, गार्लिक सॉस, सारी चीज़ें डाली। अच्छा मैम, केचप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट के आप लोग अलग से केचप डालना चाहो। ओके, आप लोगों के साथ कुकिंग क्लासेस मिलती है मेरी व्लॉग्स में, है ना मामा? यस, मेरी मामा की कुकिंग बहुत मशहूर है पूरे खानदान। मेरी दादो तरबूज काट रही है, बाद में करे कर। मेरी दादो तरबूज काट रही है। नहीं ऐसी बोलती हूँ मैं। मेरी दादो तरबूज काट रही है। यस, परफेक्शनिस्ट। और क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने और क्या कहना बेटा? और कुछ भी। ये मेरी पोती की जो बना रही है ना वीडियो, इसको देखा भी करें, इसको लाइक भी करा किया करें, इसको शेयर भी किया करें। ओके सो गाइस, आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम आई एम वेयरिंग सलवार कमीज, मतलब पूरी मैचिंग। एक दुपट्टा इसके साथ नहीं है, दुपट्टा मुझे इसके साथ का मिल नहीं रहा था, तो आई थॉट कि अब कौन इतनी मेहनत मशक्कत करे यार, लाइफ को इजी बनाओ, मुश्किल नहीं। पहले बहुत मुश्किल बन चुकी है, चीप बकवास है। आई एम हंग्री, लाइक मैंने सुबह का वो जो पिज्ज़ा पीस होता है नान का, देखो 1/4 पार्ट वो खाया हुआ है, मैंने नहीं खाया और कुछ सुबह से। और ये हमारी किताबें हमें जीने कब देती हैं यार, जीना हमने थोड़ी है। ओके, तो आज की हमारी अच्छी बात ये है कि जो हमें अपने ज़िंदगी में एक लेसन दे सकती है वो ये है कि हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, हमें और किसी से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हम लोग किसी पे यकीन नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के, वो हमारा मददगार है, वो रहीम व करीम है, वो ही बादशाह है दुनिया में। हमें खुद से ज़्यादा अच्छा अल्लाह जानता है। मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे आज तक तो कोई इंसान नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, मुझे सिर्फ अल्लाह जानता।
आपको पता है करोड़ों होते हैं उसके पास दुआ मांगने के लिए, करोड़ लोग, मतलब इतने ज़्यादा, इतनी बड़ी दुनिया है और उसमें करोड़ लोग हैं दुआएं मांगने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपको तौफीक करता है कि आप दुआ मांगो, और आप दुआ मांगते हो, जो दुआ मांगते हैं ना वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी की बात समझें कि आपको एटलीस्ट तौफीक तो होती है ना कि आप दुआ मांगते हो। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं होती। कोई भी आपके मुश्किल है ना, एक बार अल्लाह पे ट्रस्ट करके देखो। मेरे पे कोई भी मुश्किल आती है ना, अभी तो मेरे पे पढ़ाई की मुश्किल है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह के हवाले, और अल्लाह सब अच्छा करता है, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। और आप भी यकीन कहते हैं ना यार, कोई नहीं है मददगार, कोई नहीं अपना, कोई नहीं, अल्लाह अपना है, अल्लाह को अपना छोड़ दो सब कुछ, अल्लाह से मांगो जो मांगना, अल्लाह की, अल्लाह ने सुन ली ना तो कोई नहीं आपको वो चीज़ लेने से रोक सकता, चाहे ही वो कुछ भी हो। जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, कॉलेज भी जाऊँ अकेडमी भी जाऊँ, तो मेरे साथ होता है कि जब सर कुछ बोल रहे हैं ना, मैं सर को सुन रही हूँ, पूरी अटेंशन से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा सर क्या कह रहे हैं। ये भी होता है कभी कभी, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, क्या करें, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस, राइट। चलो कुछ खाते हैं, मैं फिर आपको, फिर रोज़ की व्लॉगिंग कर रही हूँ ना तो यार अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा शायद। अभी मेरी हर व्लॉग में एकेडमी कॉलेज की बातें तो ज़रूर होंगी, बिकॉज एज यू नो आई एम अ स्टूडेंट। बॉय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार, टिको ना, खुश हो, क्या चल रहा था? यार मैं लोगों को कह रही थी कि उन्हें पढ़ना चाहिए और आप भी ज़रा किताबें लें। पेपर कैसे हो रहे तुम्हारे? जी बहुत नाजुक छूटे हाल होती थी पेपर के पहले पहले 2 महीने पहले, पर अब जी माशाल्लाह अल्लाह का करे, मैं बस तुम्हारे सवाल हमारा ये पैदा होता है कि आप अपना फेस रिवील कब कर रही है? 1 मिलियन पे, 1 मिलियन आंखों से खून निकलने लग जाए। मैं भी से कॉलेज चश्मा तुम अपनी बहन को ना इतना अंडर एस्टिमेट ना करो, खूबसूरत तुम्हें। सो वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग जो कि कल होगा, और कल भी मेरा दिन मेरी पढ़ाई से ही स्टार्ट होगा। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और तुम भी कहो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब पे बैठ जाओ, सब्सक्राइब को रेड से आप ग्रे कर दो ना किया तो